ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर शोडाउन के बारे में, जो कि बस अब से कुछ ही घंटे या मुझे कहना चाहिए कुछ ही मिनट्स दूर है। तो इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसी अपडेट्स हैं सुपर शोडाउन से पहले, जो कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़े द फिनोमिनल वन एजेस स्टाइल्स से। तो एजेस स्टाइल्स ने अपने WWE चैंपियनशिप मैच से पहले अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ बता रहे हैं कि कैसे एजेस स्टाइल्स यहाँ पर WWE चैंपियन बनकर पूरे वर्ल्ड में घूमे, और उन्होंने बात करी अपने समूह जो के साथ फ्यूड के बारे में। उन्होंने कहा कि समूह जो कैसे मेरी फैमिली से उलझे हैं, लेकिन वो सुपर शोडाउन में सभी चीजें बता देंगे। और यहाँ पर उन्होंने यूज किया हैशटैग एंड स्टिल, जिसका मतलब कि एजेस स्टाइल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो अपनी चैंपियनशिप को सुपर शोडाउन में सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस। तो यहाँ पर रोमन रेंस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया, जहाँ वो बता रहे हैं शील्ड की यूनिटी के बारे में। वो कह रहे हैं देयर आर नो क्रैक्स नो ब्रेक्स, और उन्होंने कहा वो जस्टिस ला रहे हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। मतलब कि यहाँ पर रोमन रेंस अपने सिक्स मैन टैग टीम मैच से पहले काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़े ब्रॉन स्ट्रोमैन से। तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि वो भी पहुंच चुके हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर वो शील्ड को तोड़ने आए। तो यहाँ पर रोमन रेंस ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों की तरफ से ट्वीट आ चुके हैं। अब देखते हैं किसका कॉन्फिडेंस एकदम सच साबित होता है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर काफी सारी फोटोज देख सकते हैं, और ये फोटोज एकदम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे अभी कुछ फाइनल पिक्चर्स आ रहे हैं, कैसे यहाँ पर तैयारी एकदम कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर फैंस ने भी आना शुरू कर दिया। आप लोग यहाँ पर रिंग का डिजाइन देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज का डिजाइन, और अंदर से यहाँ पर सुपर शोडाउन का जो स्टेडियम है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब कुछ यहाँ पर स्पॉयलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होने वाली है। तो आपको बता दूं, पहले अनाउंस हुआ था कि हमें 5 घंटे का शो देखने को मिलेगा, लेकिन जो लोकल एडवर्टाइजर है वो एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ये 4 घंटे का शो होगा। तो आप लोग मान सकते हैं ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का हमें ये लंबा चौड़ा शो देखने को मिलेगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़े शॉन माइकल्स से। तो पॉसिबली हो सकता है हमें जो मैच होने वाला अंडरटेकर एंड ट्रिपल एच के बीच, वहाँ पर हमें शॉन माइकल्स भी फिजिकल होते हुए दिखाए दें। और इससे होगा ये कि सुपर शोडाउन में हमें पता लग जाएगा कि शॉन माइकल्स अब अपने रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं, और फ्यूचर में हमें उनका एक मैच देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट या इसे कह सकते हैं स्पॉइलर के बारे में बात करते हैं, और ये जुड़ा है सुपर शोडाउन में सिक्स मैन टैग टीम मैच के बारे में, जो कि होगा द शील्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन ड्रू मैकइंटायर एंड जिगलर के बीच। तो आपको बता दूं, अब यहां पर ऐसी अपडेट आ रही है कि इन 6 सुपरस्टार में से हमें किसी का भी एक टर्न देखने को मिल सकता है। मतलब कि यहां पर ऐसा नहीं होगा कि शील्ड के सुपरस्टार रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस या फिर सेथ रॉलिंस के चांसेस है कि वो अपना टर्न करें, बल्कि यहां पर 6 के 6 सुपरस्टार में से किसी भी हमें टर्न देखने को मिल सकता है। फिर वो फेस से हील हो सकता है या फिर हील से फेस। अब वो यहाँ पर कौन होगा, क्या वो डीन एम्ब्रोस होंगे, क्या वो होंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन, ब्रॉन स्ट्रोमैन का हील से फेस टर्न होगा, या रोमन रेंस सेथ रॉलिंस, या कौन होगा, ये सभी बातें पता चलेंगी इस मैच में। लेकिन फिलहाल के लिए रूमर ये सामने आ रहा है कि पॉसिबली हमें इस मैच में एक ना एक टर्न देखने को जरूर मिलेगा। अभी बात कितनी सच होती है ये हमें सुपर शोडाउन में जाकर ही पता चलेगी। तो बस ये थी मेरे पास आपके लिए कुछ फाइनल अपडेट सुपर शोडाउन से जुड़ी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं सुपर शोडाउन के लिए, और आप लोग इसे कैसे देख सकते हैं। आप लोग इसे देख सकते हैं अपने उसी टीवी पर, उसी स्क्रीन पर, उसी चैनल पर जहां पर आप रॉ एंड स्मैकडाउन लाइव के शोज को एंजॉय करते हैं। इंडिया की बात करूं तो आप इसे 10 नेटवर्क पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।